नमस्कार दोस्तों, डायरेक्ट यहाँ पर बात करते हैं अपन। ज़्यादा कुछ है नहीं कि किसी के आने का वेट करें। आप लोग दोबारा अगर लेट जुड़ रहे हैं हमसे तो आप शुरू से वीडियो देख सकते हैं। यहाँ पर जो आज जुड़ने का एक मोटो है, एक जो मकसद है वो सीधा सा है कि अभी यहाँ पर एक कैंपेन चलाया जा रहा है सोशल मीडिया पर कि SSC डिक्लेयर रिजल्ट, है ना, SSC रिजल्ट फॉर SSC रेलवे स्टूडेंट। अब ये क्यों चलाया जा रहा है, इसकी ज़रूरत क्यों पड़ी? बहुत ज़रूरी है क्योंकि भारतीय जो मीडिया है उसके बारे में, उसको तो कोई शुद्ध होश तो है नहीं कि वो इनके बारे में बात करें, क्योंकि उनके लिए बहुत सारी चीज़ें ज़्यादा ज़रूरी हैं जो न्यूज़ चैनल में दिखाई देता है, है ना। विराट कोहली पापा बनने वाले हैं, तैमूर खान का भाई आ रहा है, रिया चक्रवर्ती की व्हाट्सअप चैट दिखानी है, है ना, वो कितना रो रही थी, कितने मिनट तक वो रोई, ये सब चीज़ें वहाँ पर दिखानी है। पर SSC स्टूडेंट, SSC का जो 2017 में एग्ज़ाम हुआ, NTPC की जो 2019 में वैकेंसी आई, लॉकडाउन में 2 करोड़ से ज़्यादा लोग बेरोजगार हो गए, 10 करोड़ से ज़्यादा लोग अभी भारत में बेरोजगार हैं, उसके बारे में बात करने के लिए उनके पास कोई भी ना तो समय है ना वो ज़रूरी समझते हैं। बस इसके बारे में होता क्या है कि बस फालतू की बकवास चीज़ें चलाते रहो और हम जैसे आप जैसे लोग ही उनको बढ़ावा देते रहते हैं। तब इन सब चीज़ों का करना होगा बायकॉट, क्योंकि उसके अलावा कोई ऑप्शन बचा नहीं है। और ज़रूरी नहीं है सिर्फ बात SSC के स्टूडेंट की हो या रेलवे के स्टूडेंट की, किसी दो NTPC की बात हो, ये सभी के लिए है। क्योंकि अगर आप मध्य प्रदेश में रहते हैं, आप व्यापम की तैयारी कर रहे हैं तो देख लो, 3 साल से वैकेंसी नहीं आई, आई वैकेंसी तो 250 वैकेंसी निकाली है और फॉर्म कितने भरे गए, 3.5 लाख। अब लगा लो कितने सरकार पैसा कमा रही है। मामा साहब के पास 60 करोड़ पता नहीं कितने हज़ार करोड़ का प्लेन मंगा लिया अपने लिए, उसके लिए पैसे हैं। बाकी चीज़ें जो ज़्यादा ज़रूरी हैं हमारे देश के लिए, उसके लिए कोई किसी के पास कोई टाइम नहीं है बात करने का, ये सब बात की जाए। तो अब यहाँ पर सबको मिलना होगा, सबको मिलजुल के काम करना होगा। उसके लिए करना क्या है कि 1 सितंबर पूरे भारत के जितने भी स्टूडेंट हैं, जितनी भी फैकल्टी है जो पढ़ाई करते हैं या पढ़ाते हैं, सभी लोग मिलकर ट्विटर पे एक ट्रेंड करवाना है, SSC डिक्लेयर रिजल्ट, ये आपको वहाँ पे जाके ट्रेंड करवाना है। और इस वीडियो को जितना ज़्यादा हो सके उतना ज़्यादा शेयर करो, फैलाओ इस वीडियो को। आप लोग जो भी मुझे देख रहे हैं, जितना ज़्यादा हो सके इसे शेयर करना है, बस और कुछ नहीं करना। यहाँ पर मैं आपसे कोई रिक्वेस्ट नहीं करूँगा कि ज़्यादा कुछ करना है कि आप लाइक करो, सब्सक्राइब करो, कुछ नहीं करना। आपको सिर्फ इसको शेयर करना है, क्योंकि ये बात हम सबके हक की है और करनी पड़ेगी। कुछ दिन पढ़ाई छोड़ो, मीडिया को बाइकआउट करो यार, हटाओ, क्योंकि किसी को सुध नहीं है ना कि देश में इतनी बेरोजगारी बढ़ रही, कौन बात करने को तैयार है, कोई भी नहीं, सबको बस अपनी फिक्र है। दुनियादारी सीटी ला के पटक दिया, क्या है, नई चीज लाओ, एक लॉलीपॉप दे दिया। जहां पे चुनाव होने होंगे पता चला 2000 वैकेंसी निकाल दी, उसके बाद वैकेंसी का एग्जाम हो रहा है कि क्या हो रहा है, उसके बाद किसी को कोई फिक्र नहीं है। NTPC की वैकेंसी आई थी, आई थिंक बहुत लोगों ने फॉर्म भरा होगा, आपने सभी ने, सरकार ने क्या बोला, भैया 500 रुपये एग्जाम फीस है, 100 रुपये एग्जाम फीस लगेगी, 400 रुपये आपके वापस आएंगे। चूतिया समझ रखा है क्या यार, पागल होगा लोग, क्या चंदा मांग रहे हो क्या देश की जनता से? मतलब बंदे के घर में कौन कमाने वाला, कौन क्या करने वाला, वो कैसे करके फॉर्म भरते हैं बच्चे हर व्यक्ति, उससे तुम बोल रहे हो सब्सिडी दो यार 400 रुपये। जिनके घर में नहीं है भूखे उनको दे दो आप 500 रुपये, वो लौटा देंगे बाद में। और सरकार बोल क्या रही है, वहां से नोटिस क्या आता है कि भैया हम तो अभी डिसाइड ही नहीं कर पा रहे कि कौन सी कंपनी एग्जाम करवाएगी। वाह भैया, किस भरोसे तुमने वैकेंसी निकाल दी, पागल बना रहे हो जनता को यहां बैठे बैठे। SSC वाले चेयरमैन भाई साहब वो ट्वीट कर देंगे, कोई नोटिस जारी कर देंगे कि भैया अभी हम कोविड की वजह से रिजल्ट नहीं दे सकते। वाह, 25-30 लाख नेट और JEE के एग्जाम होने वाला, उसके बच्चों के लिए है टाइम, वो आप कर सकते हो, है ना, उसकी व्यवस्था आप कर सकते हो। चुनावों में रैलियां हो रही, चाहे मध्य प्रदेश में हो चाहे किसी भी राज्य में हो, सब जगह रैली हो रही, हो रहे 10,000 इकट्ठा, शादियों में 100 लोग इकट्ठा हो सकते हो, कोचिंग खोलने के लिए नहीं है, उसमें कोरोना फैलेगा स्टूडेंट का। मतलब सरकार का सीधा सा है कि तुम बेरोजगार हो, रहो, मरो, भूखे मर जाओ, हमें कोई फर्क नहीं पड़ता, हम तो कमा रहे हैं, खा रहे हैं, और तुमको ऐसे पागल बनाते बैठेंगे, कर लो तुमको जो करना हो। तब करने का टाइम आ गया है, सब लोग को मिलना पड़ेगा, यहाँ पे जुड़ना पड़ेगा, इकट्ठा होना पड़ेगा, तभी कुछ होगा, क्योंकि बाकी चीज़ से कुछ नहीं होने वाला,
अब धरना देने बैठो, अभी जेई वाले बच्चों ने रखा था, है देख लो क्या हालत हुई। ऐसे आप भी जाके धरना रखोगे, कहीं बैठ दो, दे लो धरना, कूट पीट अलग जाओगे, हाथ पैर तुड़वा के आओगे, घर वाले अलग पीटेंगे। सबसे बेहतर है, आसान तरीका, सोशल मीडिया जिसको आप यूज करते हो, ट्विटर पे ट्रेंड करवाना है एसएससी डिक्लेयर रिजल्ट, ये सिंपल सा आपको जाके ट्रेंड करवाना है ट्विटर पे। नहीं चलाना आता जाके सीखो यूट्यूब में, बहुत सारे वीडियो मिल जाएंगे। नहीं आईडी बनी है जाके आईडी बनाओ, और जिसको जितना टैग करना है करो, जो जो बाइकआउट करना हो सब करो, क्योंकि करना बहुत जरूरी है। ये बस इतनी सी रिक्वेस्ट है, 1 तारीख को सुबह 11 बजे ट्विटर पे एसएससी डिक्लेयर रिजल्ट, ये जाके वहां पे ट्रेंड करवाना है, और ये ट्रेंड होगा तभी कुछ बात बनेगी, नहीं तो कुछ नहीं होने वाला हमारे देश का। सारे बेरोजगार ऐसे बैठे रहेंगे, पागल बनेंगे। आपसे कोई, अभी कोई एग्जाम होने वाले हैं ना, एक क्या चुनाव आने वाले हैं, फिर कोई 2-4 हजार वैकेंसी निकाल देंगे, भरो तुम फॉर्म भर दो, बैठे रहो, हमें तो कोई फिक्र नहीं, हम अपना पैसा कमा रहे हैं ना, बस बात खत्म, फुर्सत। चलो धन्यवाद, इसको जितना ज़्यादा हो सके उतना ज़्यादा शेयर करिए, और जितना ज़्यादा हो सके सब लोगों को फैलाओ, और 1 तारीख सुबह 11 बजे ट्विटर पे SSC डिक्लेयर रिजल्ट, #SSC डिक्लेयर रिजल्ट। धन्यवाद।